छोरी लेने जा रही हूँ, ले जब दहेज में दो तीन गाड़ी आवे और बढ़िया मोटर नई चप्पल आवे सोना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल लोंडे एंड लोंडियो, सब मजा में कच्चे काट रहे हो? और जो गेट नंबर 6 पे वो होता है आशीष, चल देख लेगा तो बुद्धि पकड़ लेगा अपनी। वह आशीष वो एच एच हाँ चंचलानिया चौड़ी सड़क ऊपर। हाँ हाँ भाई, जान को ऐसे हाथों में रख के घूम रहे हैं कि हमें किसी ने भी हाथ में देख लिया ना फ़ोन तो सीधा भगा देंगे कंपनी से। पर मौत के खिलाड़ी आलोक मनुजा फ्रॉम रेवाड़ी अपनी पैसेंजर लाड़ी पीछे क्या बात कर रहा है भाई, इसको हर एक लड़की पे दिल आ जाता है, जो पीछे लड़की आ रही उस पर भी दिल आ गया। आज दो लड़की मिली, एक भूटान की मिली, भूटान की तो तुम्हारे भाई का नाम पूछ के गई है और नूह पूछ गई है, परसों आऊंगी परसों मिलना मुझे मको ठीक है। एक आई कोरियन लड़की, तो मैंने उससे ये पूछा कि वट इज़ द सीक्रेट ऑफ ग्लोइंग स्किन, तो कह रही थैंक यू पर बता ना रही बैरन। कितने नीच लोग है यार, है ना, एक नीच लोग मेरे पीछे चल रहा ना भाई। अब रिस्क है अपना बनाओ यार, रिस्क है गेट नंबर 6 आ गया है ना, मिलते हैं भी थोड़ी देर में, बने रहो हमारे साथ। बढ़िया यार कर देना ले, तो ये हरकत देख लो। और ये भाई आ चुके घर, अब करेंगे चेंज। हाँ अब करेंगे चेंज, अब जाना है क्योंकि रेवाड़ी, थोड़ा सा घर से सामान सुन लेकर आना है एंड ड्राइविंग कर रखा हूँ रेवाड़ी। तम भी सोचो यार रेवाड़ी दिल्ली का डालो, नहीं भाई रेवाड़ी कराऊँगा, मर्जी मेरी। और बताऊँ और ये सो रहा है भाई है, ये मजदूरी करके आया है और ये सो रहा है। मैं तो ऑफिस में सो लिया था बढ़िया, एक डेढ़ घंटा सोया था बढ़िया, टांग बसार के मस्त तरीका है। चलो चेंज कर लेते हैं। फाइनली देखिए चलान मत कटवा दिए, फाइनली पहुंच चुके हैं रेवाड़ी। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, समझा कर अब तू बंद कर ले यार ब्लॉग भाई ना यार। अफत ओए होए अफत का फोन आ गया जी, अरे समझा कर, दोस्त को फोन आ रहा है ले भाई, भोले बाबा का दर्शन करा दोगे तुम्हें तो ले भाई कर, जय जय भोले नाथ है। चल घर तार दे भाई फटाफट, मन लग रही भूख, मैं जाऊं घर खाऊंगा रोटी। अरे हटा यार। हेलो हां बेटी, फोन सिस्टम है भाई, सिस्टम है भाई, घर चल फटाफट, एक एक दो मिनट में कर, दो मिनट में ना आराम आराम चलांगा, तो रेवाड़ी का स्वाद तो लेने दो, खुशबू सूंघने दे रेवाड़ी। ठीक है तो सूंघ, आराम बदबू भी सूंघिए साथ में। ना ना सिर्फ खुशबू सूंघेंगे। चलो ठीक है भाई, बीच में किमी रहे हो तो दिखाता हूँ लोग मैं, नहीं तो घर जामा। अरे 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 ठीक है भाई, धूल चटवावा को के यार भाई है, रुक जाओ जी फोन आ रहा है मेरा, बहुत इम्पोर्टेंट फोन है, प्लीज रुक जाओ अभी। हरियाणा की जो सरकार है ना वो रोड बना देती है, ये देखो एक बार, उसके बाद भूल जाती है कि पाइपलाइन बिछाना तो भूल ही गए, दिखाऊं तुम्हें रोड ए, ये देखो ये लो। अरे अरे बहुत खराब हो रहा है भाई, यो रोड इतना प्यारा रोड दो ना, बहुत प्यारा रोड दो, फिर इन्हें दिमाग भाई थी पाइप लाइन बिछाना तो भूल ही गए, पाड़ दी थोड़ा अगला दिन रोड पाड़ दिया। ये तो सरकार की खास है हरियाणा की, बाद में सारो काम कर लो। बिल्कुल ही ना, तो फाइनली मनुज के घर आ चुका है, अभी आ जाएगा। 3, 2, 1 और वो दिखाई तना, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड। हाँ भाई सेना, चलो तो भाई चलते हैं नीचे और साहिल को बोलते हैं बाय बाय ऐसे। चलो सुन कल को प्लान बताऊंगा, कल चलांगे फिर। चलो तो भाई बस है, बस चलो तो पहुंच चुके हैं घर पे, करेंगे फेस वॉश। जब घर चाहे कोई सो खिंडा रखो भाई सामान, मेरा घर में मेरे कमरा में तो मैंने तो बहुत सूखा जो मेरे को मेरे कुछ सिटा दे दे, अब ना क्या समझू मैं बताओ, क्या है तू, क्या है तू,
वैक्सिंग है क्या ये, वैक्स करने वाला। मम्मी से मिल लिया, मम्मी बात कर रही चाचा से, मैं इग्नोर कर दियो, दोबारा जाता हूँ। ना स्पीड रखो, पूरा घर को ना स्पीड रखो, मतलब घर का राज्य घर से चला गया तो घर की ऐसे सी कर दी। चलो कोई नहीं, चेंज करते हैं, खाते पीते हैं और फिर सो जाते हैं। मैंने कह रहा मम्मी से, मम्मी मेरे रिश्तों करा दो। मैंने जो ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रखी थी वो तेरी ये याद वो वाली, तो कैसे लग रही बुढ़ा मेरी स्टोरी को? तो फिर असम जा भाई, मम्मी जा रही है असम, मम्मी पापा जीजी और पापा को दोस्त असम जा रहा है, ठीक है, मंदिर मंदिर जा रहा है कहीं ना काम भाई, छोरी लेने जा रही है मैं, मेरे रिश्तों करवाने जा रही है बूढ़ा, ठीक है। तो रिश्तों देख, रिश्तों जब भी लेंगे, जब दहेज में दो तीन गाड़ी आवे और बढ़िया मोटा पैसा आवे। छोरी जब लूंगा, जब दो तीन गाड़ी आवे, मोटा पैसा आवे और सोना की चैन आवे, सोना की चप्पल आवे, सोना कच्छो आवे। मैं वो ही तो कह रहा हूँ, दहेज लेनो सही है, देनो बेकार है। ना ना देख, दहेज में आप एक सुई भी ना दे ले लिया, नू पोटली खिंडा लू ला भाई, नू करके नू डर दे मैं भिखारी की तरह। सही में छोरी बढ़िया लांगा, दहेज ना लेवा। छोरी बढ़िया की करना है, जब दहेज बढ़िया ले लांगा तो ना ना, छोरी अच्छी चाहिए, दहेज ना। भाई देख, इतना एक बात बता बूढ़ा, मैं कम से कम भाई 25-30 लाख रुपए अपना ब्याह फूकू, कम से कम वसूल तो करूं। अरे छोरी ला के ताना थोड़ी ना सुनूंगा का, कम से कम दहेज देगी नू तो है कि भाई हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, क्या वो छोड़ के डिवोर्स हो कुमारो तो इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, दूसरा ब्याह कर लू मैं। पागल है के ऐसा कुछ ना, कितने रखोगे की हमने एक ही ब्याह करना है, पता अपने एक करा है ना, तो तू भी एक ही कराएगा। भाई मैं तो नहीं मानता इस चीज को। नहीं बेटा, एक ब्याह करेंगे, 10 साल रहेंगे, डिवोर्स कर देंगे। जैसे फोन चेंज होता है एक साल में, वैसे 10 साल में, 10 साल बाद डिवोर्स, उसके बाद फिर दूसरा ब्याह, ठीक है। एक भी छोरी ना आओ तेरा काम तेरा। क्यों ना आवे, इतना काम यहाँ बढ़ूंगा, छोरी की लाइन लग जाएगी, ठीक है, गोलगप्पा की रेडी खोल लूंगा, लाइन लग जाएगी छोरी होगी। हाँ गोलगप्पा की लाइन रेडी खोलेगा तो लाइन ही लगेगी बेचारी, गोलगप्पा ना खाएगी। आज मार दो ना, जब बस में बड़ा मतलब अंकल आंटी पूछ रहा था कि बेटा तू काम, दो बूढ़ा बूढ़ी बैठा था, तो बेटा तो कह रहे थे बेटा तू पढ़ा करा दिल्ली के करा करा, मैं कह दिया भाई मैं पढ़ा भी करूँ और काम भी करा, उन्हें भगवान ने राज खुशी रखे। बड़े बूढ़ों की ना वो मिले ना आशीर्वाद मिले, तो बहुत बढ़िया चीज है। तो भाई घर आ रहा हूँ, शाही पकवान बन रहा है मेरे लिए, क्या बन रहा है बूढ़ा बता? दाल मखनी चूरमा मिर्च के पकौड़े, इसको पसंद है मिर्च के पकौड़े। जो बंदी बंदी ना, जो मेरी बहू आएगी तो ध्यान रखना, मिर्च के पकौड़े मुझे पसंद है। हाँ भाई, जो भी आएगी वो मिर्च का पकौड़ा रोज बनाएगी ना छोरा की। बिल्कुल। और बता, और चावल ले लियो, और रोटी खा लियो, और एक चीज और थी, चूरमा बता तो थी, आलू की भुजी। हाँ आलू भुजी तो तू ही बनाएगा। मास्टर शेफ वालों को मुझे उतर चुके हैं मैदान में। चलो तो ठीक है भाई, थोड़ी देर मैं वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लूँ और मार्केट एनालाइज कर लूँ, क्योंकि मार्केट ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो काम करता हूँ। चलो तो भाई हैं, फेवरेट मूवी आ रही है, चुप चुप के दिखाऊं जो बोले ना राजपाल चोटी, सबसे बड़ी एक्टिंग लगी मैंने। ले दो भाई, आ चुके हैं हमारे साथ चाचा बदमाश, आ चुका है जी खाने के लिए। ले तो भाई खाना खाते हैं थोड़ा बहुत और फिर मूवी एंजॉय करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम।